आज मैं आपको अपनी छोटी सी बालकनी को कैसे एक सुंदर से गार्डन में कन्वर्ट करें बताऊंगी। तो आइए चलते हैं। ये मेरा एक गार्डन है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको मैंने डेकोरेट कर रखा है। आइए ये देखिए, ये बालकनी और ये मैंने प्लांट्स लगे हुए हैं। अब सीज़न आ रहा है ठंड का, तो ठंड वाले फूल ब्लॉसम होना स्टार्ट हो गए हैं। सबका फेवरेट मैरीगोल्ड। देखिए मैंने बालकनी में मिर्ची के पेड़ लगा रखे और तोड़ने में थोड़ा लेट हो गया है, जो कि मिर्ची ब्लैक कलर की हो गई है। और देखिए यह है मधुमाती का पेड़, इसके फ्लावर भी ब्लॉसम हो रहे हैं। इसको आप चाहे चढ़ा भी सकते हैं, बट मैंने इसको यहीं पर फैला दिया। ज़्यादातर फूल इसके बाहर की तरफ जा रहे हैं, कुछ फूल ही अंदर दिख रहे हैं। ये देखिए छोटी सी बालकनी में आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं ये एलोवेरा, बहुत ही हेल्दी होता है स्किन और हेयर के लिए, ये मस्ट। साथ ही साथ ये बहुत ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है आपके पौधे में, तो ये तो मस्ट प्लांट है इन एवरी गार्डन। ये रहा गुड़हल बेस्कस, अभी इसमें फूल कलियाँ बन रही हैं, दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्लावर कुछ तो पहले आ रहे थे, अभी फिर से स्टार्ट है। ये मैंने फिर से सब जगह मैरीगोल्ड लगा रखा है। हाँ ये गमला आप देखिए, ये सेल्फ वाटरिंग पॉट बना रखा है मैंने खुद का, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी कैसे बनता है। ये देखिए जब मैं घूमने गई थी वहाँ से मैंने ये चीड़ के पेड़ से बहुत साथ लेकर आई थी, मुझे बहुत पसंद आया और मैं इसको यहाँ पे गार्डन में डेकोरेट करने में काम यूज़ करती हूँ। लेटेस्ट कमरा है मेरे गार्डन का, लुकिंग लुक बड़ी प्यारी लग रही है, बट रेड कलर इसका बहुत पसंद है। और ये देखें नीचे की तरफ आइए, देखते मैंने छोटे से गार्डन को कैसे गमलों को सेटिंग कर रखी है, थ्री लेयर्स में गमले रखे हैं मैंने, और ये हैंगिंग वाले भी एक से टांग दिए ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले। ये देखो ये ऑयल का क्या कहते हैं फॉर्चून का डब्बा है शायद, जिसको मैंने एज अ पॉट बना लिया है कटिंग करके, मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी कैसे बनाते हैं। थ्री लेयर्स, इससे ये होता है कि सब मैंने छोटे छोटे गमले साइड रखे हैं ताकि सब धूप इधर कम आती है तो सब पौधों को थोड़ी थोड़ी धूप मिल जाए। अब आइए देखें इस साइड छोटी सी बालकनी, मैंने ये देखे या दूर का भी देखे, ये एक क्रिसमस ट्री और एक छोटी सी चिड़िया, मैंने तो डेकोरेशन यूज़ किया है, ऊपर से आ रही है ऊपर से। ये देखिए ये फ्लावर प्लांट है, तो स्पेस कम होने की वजह से मैंने गमले के ऊपर गमले रखने पड़ते हैं, बट इट लुक्स नाइस, ग्रीनरी अच्छी होती है, जस्ट एज अ पीस। मेरे पास घर में थी जो कि ओल्ड हो रही थी तो मैंने उसको गार्डन में रख दिया, यहाँ पे ये बहुत सुंदर लग रही है छोटा सा फ्लावर। ये मैंने गणपति के जी को रखा है, ये तुलसी का पेड़, तुलसी भी बहुत अच्छी होती है हर गार्डन के लिए, जरूर लगानी चाहिए। रात का
Dani. It's hanging up there, aise hi plant on there. It's just decoration. So, ye jyada badi baat mein nahi hai meri, but isko maine space se lane ke liye attach kiya hai taki jyada spacious dikhe. Ye dekhiye, maine flower. ये देखिए अभी ये देखा आई थी यहाँ पे गार्डन में जो गमले रखे ये देखिए मनी प्लांट ऊपर जा रहा है फिर वाटर इम्पॉर्टेंट जिसमें मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं फ्लावर क्या है अभी किसी ब्लॉसम का टाइम इसका नहीं है अभी हमारा घड़ी का बड़ा हुआ था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया डेकोरेशन के लिए मिड में घड़ी थी तो मैंने मिड में गमला लगा दिया छोटा सा ये मेरा पुराना बास्केट पड़ा हुआ था मैंने उससे पेड़ लगा दिया ये मेरा कितना बड़ा तार है फिर से चिली का पेड़ आप देख लेंगे रेड रेड चिलीज है बट घर में इतनी ऑलरेडी चिली होती नहीं कभी तोड़ने का मौका ही नहीं लगता इनको तो ऐसे छोटी सी हो गई है मैं आपको भिंडी का पेड़ भी दिखाती हूँ देखिए भिंडी का पेड़ ये मैंने लगा रखा है इस पे ये पेड़ अंदर से बाहर की तरफ चला गया ये भिंडी आ रखी है मैंने बाहर की तरफ भी हैंगिंग गमले टांग रखे हैं ये देखिए एक छोटी सी बालकनी मैंने एक नॉर्मल सी बालकनी को अब ऐसे प्लांट्स लगा के इस तरीके से प्लांट लगा के सुंदर से बना सकते हैं बालकनी से देखिए कितना प्यारा लग रहा है आप सुबह सुबह यहाँ पे टी कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हैं ऑसम देखिए धूप आ रही है ठंड की हल्की धूप है ये गमलों को सारे धूप लग जाते हैं तो ये सब टेम्परेचर सही हो जाता है ये देखिए सो फ्रेंड्स मैंने आपको अपना बालकनी दिखाई फिर आगे आपको वीडियो लेके आऊँगी कैसे क्या गार्डन को डेकोरेट करते हैं प्लांट कैसे लगाते हैं फिलहाल के लिए थैंक यू बाय बाय Take care.